हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सिनेमा में। आज का टॉपिक है किचन हेल्पर क्यों बार बार किसी एक रेस्टोरेंट में जॉब टिके नहीं करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्टोरेंट हो या होटल हो, किचन हेल्पर जो है वो बार बार क्यों जॉब छोड़ के और किसी दूसरे होटल में बार बार क्यों शिफ्ट करते हैं। वो इसलिए शिफ्ट करते हैं अगर आप जो है उनको अच्छे से ट्रीट करें, अच्छे से उनको समझाएं कि हाँ ये जो है, क्योंकि किचन हेल्पर एक किचन हेल्पर ही है, उनको कुछ नहीं आता। वो एक स्टार्टिंग से आए हैं और उनको ABC भी नहीं पता एक किचन का कि चॉपिंग क्या होता है। ये सब आपको बताना पड़ेगा। बट जब वो किचन हेल्पर आते हैं, आपने उनको जो है उनकी सैलरी अगर आप बताते हो कि हाँ तुम्हें जो है 10,000 मिलेंगे, 9,000 मिलेंगे, उसके बाद जो है आप उनकी सैलरी काट के 8,000 या 7,000 उनको देते हो, तो उनका गुजारा नहीं होता, क्योंकि वो बाहर से आए होते हैं। जैसे बाहर गांव से आए होते हैं और जो है जब वो यहाँ पर उनके रहने का इंतजाम भी नहीं होता। जब तो आप बोलते थे कि अकोमोडेशन आपको मिलेगा, या फिर आपको अकोमोडेशन मिलेगा विद उसका जो है पैसे आपके काटे जाएंगे 1,000 रुपए, बट आप अकोमोडेशन भी नहीं देते हो। जब उनका फाइनल आप कर देते हो तो अकोमोडेशन आपको आप देते भी नहीं हो। और जो डिसाइड हुआ होता है कि अगर आपने बोला है कि 1,000 रुपए आपके काटेंगे मंथली, और आप वो भी नहीं काटते हो ना अकोमोडेशन रहने के लिए आप देते हो, वो बार बार एक दो दिन आपके रूम में रुका, उसके बाद वो जो उसको जब मुश्किल होती है फिर वो बाहर अरेंजमेंट करते हैं अपने रहने का, एक रूम लेते हैं, उस रूम में उसके जो है पैसे 2-3 हजार रुपए उसके महीने के चले जाते हैं, तो उसको बचता ही क्या है। उसके बाद जो है आप उससे एक्स्ट्रा काम आप उससे जो है करवाते हो। जैसे उसकी जो टाइमिंग है 8 से 8 आपने रखी है, तो आप 8 से 9, 8 से 10 आप उसकी टाइमिंग इस तरीके से बढ़ा रहे हो और उससे एक्स्ट्रा काम आप उससे करवा रहे हो। जिस काम के लिए इसको बुलाया था उसके अलावा आप जो है वॉक इन साफ करवा रहे हो या फिर क्लीनिंग करवा रहे हो, ये सब अगर वो भी कर देता है, बट आपको जो है उसको जो है सैलरी टाइम से नहीं दे रहे और जो चीज उसको बोला था डॉक्यूमेंट्स में लिख के दिया था वो सब उसको नहीं मिल रही है, इसलिए जो है किचन हेल्पर छोड़ के एक किसी रेस्टोरेंट को छोड़ के दूसरे रेस्टोरेंट या होटल में चले जाते हैं। जब उनको वहां पर भी वो नहीं मिलता, वहां पर भी उनके साथ यही सब होता है, तो वो दूसरे होटल में जाते जहां उनको सही मिलते हैं कि हाँ सब कुछ परफेक्ट उनको मिलता है। ये नहीं है कि किचन हेल्पर जब आपके होटल में आ रहा है या आपके रेस्टोरेंट में आ रहा है तो वो काम नहीं कर रहा, काम करता है, बट आप उसकी सैलरी काट के या फिर उससे ओवरलोड आप काम करवाते हो, या फिर आप उसको जो है जो आपने डिसाइड किया था, जो उसने बोला था कि मैं ऐसे करूंगा काम और मुझे ये आता है, ये मैं कर लूंगा परफेक्ट, वो भी उस परफेक्ट तरीके से करता है, बट आप उसकी सैलरी आपने काट ली, आपने उसको अकोमोडेशन भी आपने नहीं दिया, आप उससे ओवरलोड काम करवा रहे हो, आप उससे टाइमिंग भी आप ज्यादा ले रहे हो, तो वो आपके होटल में या आपके रेस्टोरेंट में टिकेगा नहीं और वो आपका जो है छोड़ के चला जाएगा। उसको फिर ये भी नहीं होता है कि मैंने जो है सैलरी आएगी या नहीं आएगी, वो बीच में ही छोड़ के चले जाता है। तो ये सब जो है एक किचन हेल्पर की जो थी, जो रेस्टोरेंट को या फिर होटल को छोड़ के वो किसी और होटल में चले जाते हैं, यही सब कारण है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड या होटल से रिलेटेड तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।